गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग निम्नलिखित लगाएंगे कैपिलरी ट्यूब एंड सरफेस टेंशन पे। ओके, तो न्यूमेरिकल देखिए, हेडिंग आज क्या है, न्यूमेरिकल्स ऑन कैपिलरी ट्यूब एंड सरफेस टेंशन, कैपिलरी ट्यूब एंड सरफेस टेंशन। तो मैं आपको पहले एक चीज़ कहीं नोट कर देता हूँ। वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ कैपिलरी ट्यूब क्या है, एच इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। क्वेश्चन जो बनेगा ये इसी फॉर्मूले बनेगा, केवल इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है इसके ऊपर। ओके, क्वेश्चन क्या आएगा, या तो क्वेश्चन ये आएगा कैपिलरिटी राइज का क्वेश्चन या कैपिलरिटी फॉल का क्वेश्चन, यही दो क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर। तो क्वेश्चन नोट करिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ कैपिलरी ट्यूब डायमीटर इज, इफ कैपिलरी ट्यूब डायमीटर इज 10 mm and surface tension and this capillary, is dipping in water, then find out capillary rise, and when dipping in mercury, then find out, capillary depression. या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैपिलरी राइज का क्वेश्चन और कैपिलरी फॉल का क्वेश्चन पूछेगा। ओके, और क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, डायमीटर दिया रहेगा और क्या डाटा दिया रहेगा आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब, density of mercury equal to 13,600 kg per meter cube, gravity take as 10 meter पर सेकंड स्क्वायर। मैं इस क्वेश्चन के लिए कल बोल रहा हूँ 9.81 लेते हैं इसे, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया है। ओके, थीटा फॉर वाटर इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री, एंड थीटा फॉर मर्करी क्या होगा, ये डाटा में दिया रहेगा आपको, ये कुछ भी याद करने जरूरत नहीं है, 128 डिग्री या 130 डिग्री दिया रहेगा, 130 डिग्री दिया रहेगा। क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा बट आपको उसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए। ओके, तो इसको सब फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखिए गिवन डाटा क्या क्या हो जाएगा, गिवन डाटा चीज और सरफेस टेंशन कितना रहेगा, सरफेस
टेंशन कितना रहेगा, सिग्मा इक्वल टू 73 आपको पता है न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन पर मीटर होता है इसको ले चलेंगे हम लोग। ओके गिवन डाटा क्या क्या है आपका, सिग्मा इक्वल टू 73 न्यूटन पर मीटर फॉर वाटर एंड एटमॉस्फियर। ओके डी इक्वल टू 10 × 10⁻³ मीटर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 128 डिग्री। ये किसके हो जाएगा वाटर के लिए, किसके हो जाएगा एच जी के लिए, मरकरी के लिए। डेंसिटी वाटर 1000 के जी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी मरकरी कितना हो जाएगा 13600 के जी पर मीटर क्यूब। ओके यही क्वेश्चन डाटा पर दिया रहेगा। ओके क्या करेंगे आप लोग, आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो क्या कैपिलैरिटी राइज कैसे निकालेंगे, कैपिलैरिटी राइज फर्स्ट इज जब भी आप क्वेश्चन लगाएं कोशिश करिएगा इसे डायग्राम बना दीजिएगा। फाइंड आउट क्या करना है आपको, एच फाइंड आउट करना है। ये एच आपको फाइंड आउट करना, जब इसको डिप किए हैं कैपिलरी ट्यूब को पॉइंट वाटर में कितना ये राइज किया है, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। सॉल्व करिए 4 × 73 cos 0 डिग्री अपॉन 1000 × 10 × 10⁻³। यही ना हुआ तो देखिए दैट इज कैंसिल आउट, ये 100 हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 292 अपॉन 100 2.92 मीटर। 2.92 मीटर क्लियर है, ये आपका आंसर होगा। दैट इज कैपिलरी राइज। ओके सरफेस टेंशन फॉर मर्करी आपको आइडिया नहीं है कितना होता है, देखिए एच इक्वल टू, अब आप कैपिलरी राइज बात कर रहे हैं, कैपिलरी जब आपका फॉल होगा ये जब मर्करी आप डिप करेंगे, ये मर्करी बाई चांस मान लेते हैं मर्करी, अगर आप इसमें डिप करेंगे तो क्या होगा इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा आपका। तो ये कितना आपका फॉल हुआ है ये देखना है, ओके एक्सक्यूज मी धीरू पॉज कर, ओके इन केस ऑफ मरकरी क्या होगा डिप्रेशन होगा, ओके फॉल ऑफ लिक्विड करेंगे, इस केस में क्या होगा एच इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। यहाँ पे चेंज क्या है, एक चेंज होगा आपका सिग्मा, ओके थीटा एंड रो ये चेंज होगा, तो ये डाटा पुट करके आप वैल्यू इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है, कैसे इसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो जो भी क्वेश्चन बनेगा कैपिलरी ट्यूब के ऊपर वो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो राइज का पूछेगा या तो फॉल का क्वेश्चन पूछेगा, डेंसिटी चेंज करेगा थीटा चेंज कर सकता है और कुछ भी चेंज नहीं करेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन के ऊपर, ओके
सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन में क्या होता है आपको पता है कि टी टू ओनली कोसी फोर्स, सरफेस टेंशन सिग्मा इक्वल टू क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस केस में, इस केस में तीन कंडीशन बनता है। कंडीशन क्या होता है देखिए, फर्स्ट कंडीशन इज तीन कंडीशन बनता है। नीचे का कंडीशन है सोप बबल का, ये कैसा कंडीशन है वाटर जेट का, और ये कैसा कंडीशन है आपका सिंपल ड्रॉपलेट का। क्वेश्चन बोलेगा आपका इन केस ऑफ ड्रॉपलेट, इन केस ऑफ ड्रॉपलेट सरफेस टेंशन क्या होगा, इन केस ऑफ सोप बबल सरफेस टेंशन क्या होगा, इन केस ऑफ वाटर जेट सरफेस टेंशन क्या होगा। तो ये तीन फॉर्मूला यूज होता है ड्रॉपलेट केस में, सरफेस सोप बबल केस में एंड वाटर जेट केस में। ओके, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कैसे आता है कि कोई ड्रॉपलेट है, ठीक है, कोई ड्रॉपलेट है, इस ड्रॉपलेट में मैक्सिमम प्रेशर पूछ सकता है या इंटरनल प्रेशर पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि सरफेस टेंशन कितना अगर इस ड्रॉपलेट को कट करते हैं, ठीक है, तो आप इस पे क्वेश्चन लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रहेगा देखिए, क्वेश्चन इफ ड्रॉपलेट साइज, इफ ड्रॉपलेट साइज इज 10 mm, इफ ड्रॉपलेट साइज इज 10 mm एंड थिकनेस इज 5 mm, नॉट 5 mm, 1 mm कर लीजिए, 1 mm एंड इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर बोलिए, ब्रस्टिंग प्रेशर बोलिए, की चीज है इंटरनल प्रेशर इज 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन फाइंड आउट सरफेस टेंशन फॉर दिस, फाइंड आउट सरफेस टेंशन। ओके, तो इस केस में क्या होगा, तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये आपका ड्रॉपलेट है इसको आप 20 से कट करिए तो क्या होगा, देखिए यहां पे क्या होगा, ये हाफ पार्ट है, ओके, यहां पे क्या काम कर रहा है, सिग्मा काम कर रहा है, और सिग्मा कितने काम कर रहा है सरकमफेरेंस, क्या होगा पाईडी, सरकमफेरेंस पाईडी, ओके, उसके बाद जो हाफ पार्ट होगा इसका, इसका हाफ पार्ट, तो यहां पे क्या होगा एक इंटरनल प्रेशर होगा, इसके क्या होगा आपका एक इंटरनल प्रेशर इसके ऊपर एक्ट करेगा, इसको हम बोलेंगे ब्रस्टिंग प्रेशर। तो अगर मैं बात करूं ब्रस्टिंग प्रेशर, ब्रस्टिंग फोर्स, नॉट प्रेशर बात करिए, फोर्स की बात करते हैं, ब्रस्टिंग फोर्स इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू फोर्स ऑन सरकमफेरेंस। तो ब्रस्टिंग फोर्स क्या होगा, ब्रस्टिंग फोर्स होगा पी, दैट इज इंटरनल प्रेशर, क्वेश्चन में क्या पूछा है पी इंटरनल प्रेशर, ये इंटरनल प्रेशर है, क्लियर है,
इंटरनल प्रेशर इनटू एरिया, एरिया क्या होगा सर्किल का, एरिया क्या होगा इनटू एरिया, क्या हो जाएगा देखिए पी इनटू पाई बाय फोर डी स्क्वायर, ओके पाई बाय फोर डी स्क्वायर जगह आपका फर्स्ट इक्वेशन। ओके यहां देखिए सेकंड थिंग क्या आपका यहां पे है डी, यहां पे आपका क्या सर्कमफेरेंस क्या लिया आपका सिग्मा इनटू पाई डी, देखिए देखते हैं हम लोग इसको पी इनटू पाई बाय फोर डी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू पाई डी। यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए डेडी कैंसिल आउट पाई पाई कैंसिल आउट पी इक्वल टू फोर सिग्मा अपॉन डी, फोर सिग्मा अपॉन डी फॉर्मूला क्या आया पी इक्वल टू फोर सिग्मा अपॉन डी। ओके तो यहां से क्या हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू पीडी अपॉन फोर। ओके ओके दोस्तों आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा आगे चल के, हमारा सर सिंपल क्वेश्चन है सो कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में क्या क्या पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमारा हो चुका है डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, विस्कोसिटी एंड टाइप्स ऑफ फ्लूइड, कैपिलैरिटी एंड सरफेस टेंशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए एक चीज बाकी रह गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये पार्ट बाकी है तो मैं कंप्लीट करता हूं आज। तो फर्स्ट टॉपिक आपका फर्स्ट फ्लूइड आपका कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट फ्लूइड एक पार्ट में होगा, फर्स्ट में ही प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वो देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है इट स्टेट्स दैट देखिए इट states that shear stress is directly proportional to rate of shear strain. Okay, क्या होगा tau equal to mu du upon dy, tau equal to mu du upon dy where du upon dy क्या है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का प्रकरण जो हमारा सबसे आता है तो आप लोग देख लीजिएगा और इसका डायग्राम अगर हम बनाए तो क्या होगा
tau du upon dy. Clear है? Okay. वर्ड और रह गया है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ओके कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है तो हम लोग पहुंच चुके हैं बल्क मॉडुलस ओके इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इट इज reciprocal of bulk modulus of fluid. It is reciprocal of bulk modulus of fluid. तो क्या हो जाएगा compressibility कैसे निर्धारित करते हम लोग maximum देगा आपको निर्धारित करेगा like this equal to compressibility compressibility equal to देखिए compressibility equal to क्या जाएगा one upon k one upon bulk modulus तो क्या हो जाएगा इक्वल टू वन अपॉन डी के अपॉन डी के अपॉन डी यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए डी वी अपॉन वी डी पी ओके तो इसको आप लोग याद रखिएगा ओके तो मैं समराइज करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेशर मेजरमेंट ओके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेशर मेजरमेंट के बनते हैं यूट्यूब मैनोमीटर मेजर करते हैं प्यूजोमीटर से मेजर करते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर करते हैं लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर मेजरमेंट अगर मैं समराइज करता हूँ समराइज में क्या क्या है फर्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास करंट वॉल्यूम फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका डेंसिटी सेकंड क्या था स्पेसिफिक वेट ओके थर्ड क्या था स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी क्या था रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम स्पेसिफिक वेट इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम एम जी अपॉन वी इक्वल टू रो जी स्पेसिफिक ग्रेविटी अननोन फ्लूइड टू नॉन फ्लूइड क्या था डेंसिटी ऑफ अननोन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ से फाइंड आउट हम लोग कर रहे थे एंड फोर्थ पॉइंट इज विस्कोसिटी विस्कोसिटी क्या था आपका आई इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई म्यू में फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी टू डी इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी टू डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो आफ्टर दैट 6 पॉइंट बल्क मॉडुलस बल्क मॉडुलस ए इक्वल टू डी पी अपॉन डी वी अपॉन बी एंड
सब क्या यूज हो रहा था, इसका ये वाला सरफेस टेंशन सिग्मा इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड लास्ट पॉइंट इज कैपिलरी ट्यूब एच इक्वल टू फोर सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में उसे जो मेन फार्मूला यही यूज होता है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, या कोई भी क्वेश्चन बनेगा इसी यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है। इसका नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।